Today we will learn ncert book or history, class 10th, print, culture and the modern world. This is the 7th chapter of class 10 ncert book. Okay, now we will start this topic today. Okay. Now print और culture and modern world जो है, print वैसे हमें English में इसका meaning आपको सभी को पता ही है. Print वो जो आप paper print निकालते हो related, उसके ही related ये आएगा. और culture का मतलब संस्कृत and the modern world, आधुनिक दुनिया. Okay, now I am just translating. Or you please with listening this lecture, please read. Reading is very important. Okay, now it is difficult for us to imagine a world without printed matter. We find evidence of print everywhere. हाँ, या जो भी छपी हुई जो इसको प्रिंट को हिंदी में मुद्रण कहेंगे, ठीक है? और यह मुद्रण या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है. और हम अपने चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाएं, हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी. किताब, पत्र, पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज़ पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा की पोस्टर आदि आदि हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और वे सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायज़ा लेते हैं. हम प्रिंटेड दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं. यह सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी. हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे जो समकालीन जमाने को आकार दिया है. यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रण जो प्रिंटन सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? नाउ वी विल second paragraph. In this chapter we will look at the development of print from its beginning in East Asia. इस अध्याय में हम जो प्रिंटेड की इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्व एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला और हम जो ये प्रिंटेड तकनीक के प्रसार और प्रभाव के सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे. नाउ there will be figure number 1 है जो, और इसमें जो प्रिंट में आने से पहले पुस्तक निर्माण जो है, और ये है अखलाक ए नसीरी 1595 से. दिस इज भारत का एक शाही वर्कशॉप. भारत में छपाई आने से काफ़ी पहले यहाँ पर पाठ को पहले बोल कर लिखाया जा रहा है, फिर तस्वीर बनाई जा रही है. पुस्तक निर्माण में सुलेख और चित्रकारी का बहुत महत्व था. छापे खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ, यह सोचने लायक है. नाउ द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, दो शुरुआती किताबें छपी थी, ठीक है. द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटेड टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप इन चाइना, जापान एंड कोरिया. जो प्रिंटेड की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई. यह छपाई हाथ से होती थी. तकरीबन 594 जो AD है, इसे चीन स्याही लगे काट के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़ कर किताबें छापी जाने लगी. चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छिपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताबें जो थी एक कार्ड आइकडाइन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिल कर बनाई जाती थी. किताबों का सुलेखन या जो खुश नवीसी करने वाले लोग सुलेख या खुशेक्त होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडैल अक्षरों में सही सही कालमतिक लिखाई देते थे. जो ये कैलीग्राफी है, ठीक है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश जो लिखते थे, इसको कहते हैं, और इसको हिंदी में खुश नवीसी कहते हैं, ठीक है.
और सुलेखन, एक और है सुलेखन, ठीक है। नाउ द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड, या एक लंबे अरसे तक जो प्रिंटेड सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादन चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा में नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। नो हम बाय द 17वीं सेंचुरी एज अर्बन ब्लूम्ड इन चाइना द यूज़ ऑफ प्रिंटेड डाइवर्सिफाइड। 17वीं सदी के आते आते चीन में जो मशहूर चीन में शहरी संस्कृत के फलने फूलने से छपाई का इस्तेमाल में भी विविधता आई, और अब जो प्रिंटेड सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए जो प्रिंटेड सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शगल भी बन गया। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। नाउ दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पेन्ड बाई न्यू टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न प्रिंटेड टेक्निक। पढ़ने की यह नई संस्कृत एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिम शक्तियां द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिम प्रिंटर तकनीक और मशीनी प्रेस के आयात भी हुआ। पश्चिम शैली के स्कूलों की जरूरत को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट संस्कृत का नया केंद्र बन गया था, और हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली। नाउ देयर विल बी फिगर नंबर 2 है, जो इसमें क्या है, एक पेज है फ्रॉम डायमंड सूत्र का एक पन्ना। नाउ प्रिंट इन जापान, जो जापान में था प्रिंट इन, जो बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, चीनी बहुत प्रचार 768 770 के ई के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तस्वीर अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागजों के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छापते थे, और गद्कार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। इन मेडिवल जापान पोइट्स एंड राइट रेगुलरली पब्लिश एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट। ओके नाउ द प्रिंट ऑफ अ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। 18वीं सदी के अंत में बाद में किसी तोके के नाम से जाना जाने के शहरी इलाकों के चित्रकार भी शालीन शहरी जो संस्कृत का पता मिलता है, जिससे हमें चायगर के मजमों, कलाकारों और त्वाइफों के देख कर सकते हैं। ये हाथ से जो प्रिंट तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय, अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबें, ये से पुस्तकालय एवं दुकानें अट्टी पड़ी हैं। ओके नाउ देयर विल बी बॉक्स 1 है, जो इसको पढ़ लेते हैं अभी। हाँ, जो ये है किताब का उत्मरा है 1753 में एदो में पैदा हुआ उतामारो ने उकिया, जो अभी है ये तैरिय दुनिया के चित्र हैं, के नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रति यूरोप और अमेरिका पहुंची, और मानो ना माने माने और वान गॉग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। तसुताया चजबारों जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता, फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे। इसके बाद
हुनरमंद वुडबल्क शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा की तख्ती पर चिपका कर उसको आकृति को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख के तो गायब हो जाता था पर उसकी छपी नकल बच जाती थी। और फिगर नंबर 3 जो है ये किताब गावा उतावारों की एक उकिया की रचना। और नाउ देयर विल बी फिगर नंबर 4 जो सुबह का नज़ारा है रचिया है ये है शुरमत कोबो 18वीं सदी के अंत में जो विंडो एट द स्नो वाइल वुमेन प्रिपेयर टी एंड परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज। एक आदमी विंडो की तरफ देख रहा है कि स्नोफॉल हो रहा है वाइल एक वो जो औरत है चाय बना रही है और घर के काम कर रही है। ठीक है नाउ प्रिंट कम टू यूरोप जो ये यूरोप में प्रिंट का आना और फॉर सेंचुरी सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। ठीक है और सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग के से यूरोप आते रहते रहे थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उस रास्ते वहां पहुंचा। कागज के कातिबों या मुर्शिदों द्वारा सार्वजनिक पूर्व लिखी गई पांडुलियों का उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 ईस्वी को मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा चीन के पास वुडबल्क काठ की तख्ती वाली छिपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था इतालवी भी तख्ती पर की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई और जो प्रिंट किताबों को सस्ती और मानने वाले कुलीन वर्ग और भिक्षु संघों के लिए जो इसलिए के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चरम पत्र भी छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती जो प्रिंटेड किताबें खरीदते थे। और इसमें जो एक वर्ड है वेलम, वेलम का जो मतलब है चरम पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह। ठीक है नाउ हाँ एज द डिमांड बुक इंक्रीज बुक सेलर ऑल ओवर यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज। किताबों की मांग जो बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगह से पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों को यह सुलेख या किताब नहीं पाए जाते थे बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के जहाँ 50 कातिब काम करते थे 50 स्क्राइब्स जो लिखने वाले। ठीक है और नाउ बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाइड द इवर इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर बुक्स। जो ऐसे लिखने वाले थे लेकिन किताबों की अब बढ़ती मांग और हस्तलिखित पंडलियों से पूरी नहीं होने वाली थी और कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव नकल उतारना बेहद खर्चीला समस्यादाय और श्रमादाय काम था। और जो पंडुलियाँ अक्सर नाजुक होती थी उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थीं इसलिए उनका सर्कुलेशन सीमित रह गया था। किताबों की बढ़ती मांग के चलते जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई उत्तर कोरिया लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करना करके कपड़े ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। नाउ देर वॉज ए क्लियरली ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर। जाहिर है कि किताब छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती प्रिंट तकनीक की जरूरत थी। ऐसी छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता जा जो 1430 के दशक में स्ट्रैसबर्ग के योहान गंटरबर्ग ने अंत कर दिखाया। नाउ
देयर विल बी एक्टिविटी यू डू विल योर सेल्फ। कल्पना कीजिए आप मार्को पोलो हैं, चीन में अपने प्रिंट का कैसा संसार देखा, यह बताते हुए एक चिट्ठी लिखें। यू हैव सीन नाउ वी विल गो फर्दर। 2.1 जो गुटेनबर्ग है और प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। गुटेनबर्ग है वाज सन ऑफ द मर्चेंट एंड क्रियो पिलाच एजहा, जो गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ और वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर ताले पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव के इस्तेमाल उसने अपने अपने नए आविष्कारों में किए। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग का प्रेस का मॉडल आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल। तकरीबन 180 पत्तियों बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय से के हिसाब से काफ़ी तेज था। नाउ दैट न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द, हाँ, जो ये नई तकनीक का हाथ से किताब छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह नहीं ले पाई। इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। हाँ, जो शुरू शुरू में तो जो छपी किताबें भी अपनी रंग रूप और साज सजा में बहुत हस्तल लिखित तो पांडुलियों जैसी दिखती थी। धातुई अक्षर हाथ से सजावटी शैली के अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशियों की जगह बेल बूटियों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिज़ाइन और पेंटर खुद तय करके उसे सवार सकता था। और यहाँ पे फिगर नंबर 5 है, जो अभी देख लेते हैं अभी, जो जोहान गुटेनबर्ग है 1584। नाउ इन 100 ईयर्स बिटवीन 1450 to 1550 प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। करीब 100 साल दरमियान यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर या जो प्रिंटर या प्रिंटर के जो मुद्रक प्रिंटर को कहते हैं, दूसरे देश जाकर नए छापखाने खुलवाया करते थे और छापखाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ किताब को 2 करोड़ प्रिंटेड किताबें आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने से ही जो मुद्रण की क्रांति संभव हुई। नाउ देयर विल बी फिगर नंबर 6 है, जो ये है जो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। और इसमें आपने देख रहे हैं फ्रेम, स्क्रू, हैंडल, प्रिंटर, प्रिंटिंग ब्लॉक, ठीक है। और स्क्रू से लगा लंबा हैंडल, इसकी मदद से स्क्रू घूमकर प्लाटने की गले के गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूव करा कर या घुमा कर शब्द बनाए जा सकें, लिहाजा इसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियाद तकनीक रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकरने की पुरानी तकनीक की तुलना अब किताबों का इस तरह छापना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस की 1 घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था, 250 शीट्स। नाउ देयर विल बी न्यू वर्ड है, जो प्लेटन है, ठीक है, इसको हम भी देख लेते हैं अभी। जो ये प्रिंटन क्या है, लेटर प्रेस जो छपाई में प्लेटन का एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबा कर टाइप की छाप ली जाती है, और पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। जो अभी हमारे पास फिगर नंबर 7 है, ठीक है, ये भी एक प्रिंटेड पेज ही है और ये यूरोप की पहली छपी किताब है, जो गुटेनबर्ग की बाइसाइकिल के सॉरी गुटेनबर्ग की बाइबल के कुछ पन्ने,
बाइबल, सॉरी बाइबल, हाँ बाइबल के कुछ पन्ने, और ये है गुटेनबर्ग के कुल 180 प्रति कॉप छपी थी, पर उनमें से 50 ही बच पाई। आइए गुटेनबर्ग की बाइबल के इन पन्नों को ध्यान से देखें। ये केवल नई तकनीक की देन नहीं थे, इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जोर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी की थी। कोई दो प्रतियों एक जैसी नहीं थी, हर प्रति पर का हर पन्ना अलग था। जहाँ पहली नज़र में वे एक जैसे लगे, भी गैर से तुलना करने पर फर्क पता चलता है। हर जगह पर कुलीन तबकों ने इस विशेषता को पसंद किया जो उसके पास था, वह अनोखा था। वे यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास हूबहू नकल नहीं थी। आप जो इबारत देख के में देखेंगे कि कई जगह पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए हैं। इसको दो फायदे थे, पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे पवित्र शब्द ज़्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर हर रंग हाथ से भर जाते थे, और गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ दी। ओके, नाउ देयर विल बी फिगर नंबर 8 है, जो ये है एक प्रिंट की वर्कशॉप 16वीं सदी में, ठीक है। और जो ये इस आपने जिस पिक्चर है, जो इस तस्वीर में पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का जो जो प्रिंटक का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता है। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं, दाएं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं, ठीक है। जो कंपोजिटर है ये वो होता है, इसमें न्यू वर्ड भी में आ रहा है, और छपाई के लिए जो इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति, होस्ट टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, मतलब जो लिखेगा, ठीक है, और काम कर रहा है। और बाएं सिरे पर एक हाँ बाएं सिरे पर गैलीज तैयार किए जा रहे हैं, और जो गैलीज है, ये गैली क्या है, ये भी एक मेटल फ्रेम इन विच टाइप्स आर लेड इन टेक्स्ट कंपोज, जो धातुई प्रोम जिसमें टाइप बिछा कर इबारत बनाई जाती थी। ओके, और धातुई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है, और पृष्ठभूमि के प्रिंटर्स प्रेस के पेज कस रहे हैं, और उन्हें उन्हीं के पास परफ्रेडर हैं जो परफ्रेडर काम में जुटे हैं। बिल्कुल अगले बाग में तैयार माल पड़ा है। ये दो दो पृष्ठों वाले छपे हुए पन्ने जिनकी बाइंडिंग होनी है, ठीक है। ये पड़ा माल पड़ा है, ठीक है। नाउ वी विल गो फर्दर। प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, जो इसकी प्रिंट की क्रांति और उसका असर क्या हुआ, और व्हाट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन, इट वाज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट। जो प्रिंट क्रांति क्या थी, छापखाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीके ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता के उनसे उनका रिश्ता ही बदल गया। इसे लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नज़रिया। नाउ ए न्यू रीडिंग पब्लिक, जो जो है ये छापखाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई की किताबों की कीमत गिरी, किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया, और बड़ी तादाद में प्रति छापनियां आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गई, पाठक वर्ग भी बेहतर होता गया। नाउ असेस टू बुक क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग,
हाँ, किताबों तक पहुंचना आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे, वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीता को पढ़ उनको पढ़कर सुनाते सुनाया जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में ही दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखते आए थे। अब 8वें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में या खामोशी से पढ़ने की आदी नहीं थे। छपाई क्रांति से पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले ही जनता चेता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। नाउ बट द ट्रांजिशन बिफोर गोइंग टू फर्दर देर विल बी एक्टिविटी यू विल डू योर सेल्फ। आई विल टेल यू वट इज़ द एक्टिविटी। इसमें आप मान लीजिए कि आप जो एक नव प्रिंटेड सस्ती किताबों का इश्तिहार देना चाहते हैं अपनी दुकान के बाहर लगाने के लिए एक पोस्टर बनाएं। ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन दैट पैराग्राफ। ठीक है, बट द ट्रांजिशन वॉज नो सिंपल। बुक कुड बी रीड ओनली बाय लिटरेट एंड हाँ, लेकिन यह जो ट्रांजिशन थी इतनी सरल नहीं थी। किताबें जो मतलब जो चेंज हो रहा था, किताबें सिर्फ हस्ताक्षर ही जो मतलब पढ़े लिखे थे वही पढ़ सकते थे। और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की जो लिटरेट पीपल थे जो की दर सीमित थी। और जो एक प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताबों के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाएं, इसके लिए उन्होंने जो प्रिंटेड कर्त की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जहाँ जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़ गए तो सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही हैं थे। इसलिए जो प्रिंटर ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें आम तौर पर तस्वीरों से खूब सजी दजी जानी सचित होती थी। फिर उन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी या शराबघरों में गाया सुनाया जाता था। टैवर्न्स इन टाउन, टैवर्न में जो शराबघर होते हैं। ठीक है, और नाउ टैवर्न इस पे लिखा भी हुआ है, जो एक बैलेड है, एक नया वर्ड है जो इसमें आया हमारे पास। इसमें है जो लोकगीत जो का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है। और टैवर्न प्लेस वी आर गैदर टू ड्रिंक अल्कोहल और टू बी सर्व फूड एंड टू मीट फ्रेंड्स एंड एक्सचेंजेस न्यूजेस। शराब पीने, खाने, दोस्तों के मिलने और बात विचार करने के लिए आते थे। ठीक है, और नाउ ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंटेड एंड प्रिंट मटेरियल। इस तरह मौखिक जो संस्कृत जो प्रिंटेड संस्कृत में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और जो प्रिंटेड संस्कृतियों के बीच की विभाजन रेखा कुतुंदली पड़ गई, जो श्रेता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए, इंटरमिंगल्ड। नाउ रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। और प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़। जो छापखाने से विचारों का के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुहावरे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। नाउ नॉट एवरी वन वेलकम द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु डिड ऑल्सो हैड फियर अबाउट इट। हर कोई जो प्रिंटेड किताबों को लेकर खुश नहीं था, जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में भी इसको लेकर कोई डर थे। कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रसार और छपे शब्दों की सुगमता को लेकर यह शंका थी कि ना जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्यों की सत्ता
ही नष्ट हो जाएगी। और धर्मगुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नवमुद्रित और नव प्रसारित साहित्यों की व्यापक आलोचना का आधार बनी। ओके, बिफोर गोइंग टू फर्दर देयर विल बी फिगर नंबर 9 है, जो इसको भी अभी देख लेते हैं। इसमें जो जे वी शैले हैं लैम प्रेम, और जो ये छापखान है, और ये 1739। ओके, और यह है क्या है, यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट आगमन का उत्सव मनाते हुए छपी गई कई चित्रों में से एक है। ठीक, देखें कि जो छापखाना लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही है, इस देवी के आजू बाजू मिनर्वा, जो इसको मिनर्वा, और एक मिनट, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हाँ ये रहा मिनर्वा। ओके, जो एक विद्या की देवी है, और मरकरी जो एक दूत देव विवेक की भी प्रतीक है, ठीक है, मिनर्वा है। तस्वीर के आगे हिस्से में अलग अलग देशों के 6 अग्रणीय मुद्रकों की छवि लिए औरतें हैं, और बीच की में बाई और घेरे के अंदर गुट गंटेरबर्ग की तस्वीर है। ओके, नाउ नाउ वी विल, यहाँ पे हम, लेट अस कंसीडर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस वन स्फीयर ऑफ लाइफ अर्ली मॉडर्न यूरोप। आइए देखें कि जीवन की एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। ओके, नाउ इन 1517 रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 दिस क्रिट, हाँ धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमक कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपने 95 स्थापनाएँ लिखी, और इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग ने गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इससे लूथर ने चर्च के शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर को लेख बड़ी तादाद में छपे और बड़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर जो धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजर्मे या अनुवाद की 5,000 प्रति यहीं बिक गई, और 3 महीने जो ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर है, इसका जो मीनिंग है अभी देख लेते हैं 7वीं पहले ही, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जो ये प्रोटेस्टेंट 16वीं सदी के यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन था, और मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंट सुधारक में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली, ठीक है, और जो ये पांच हमारी ये तजुर्मे अनुवाद की 5,000 प्रतियाँ बिक गई, और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। और प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा कि जो ये प्रिंटेड ईश्वर की दी गई हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासक का यह ख्याल है कि छिपाई के ने नए बौद्धिक माहौल बनाया और इसे धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों में के प्रसार में मदद मिली। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पेज 3.3 प्रिंट एंड डाइसेंट, और जो ये मुद्रण इसको हिंदी में कहते हैं, और प्रिंट और इसका प्रतिविरोध, डिसेंट मीन प्रतिविरोध, इसका विरोध जो हुआ, ठीक है। और नाउ प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस स्टिमुलेट मैनी डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल इंटरप्रेट फेथ अमंग एजुकेटेड वर्किंग पीपल। जो ये मैनिक्यो ने मिलर इटली बिगन टू बिक अवेलेबल या नाउ किसान जो मैनिक्यो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए, और उसने ईश्वर को और सृष्टि के बारे में से एक ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे
क्रुद्ध हो गया और एक ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब जो ये इंक्विजिशन इंक्विजिशन इसको जो इंक्विजिशन क्या है ये फॉर्मर रोमांटिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पुनिशिंग हेरेटिक्स जो ये विधर्मियों की शनाख्त करके उनको सजा देने वाला रोमन कैथोलिक संस्था थी, ठीक है, धर्मद्रोहियों और दुरुस्त करने वाली की संस्था को शुरू किया, तो मेनकियन के दो बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 में से प्रारंभिक किताबों की सूची रखने लगे। ओके, नाउ देयर विल बी फिगर नंबर 10 है ये, जो ये है ये द मैकबर डांस है, जो विभित हस नाच है, जो ये इस 16वीं सदी की तस्वीर में छिपाई का खौफ इस नाटकीय से पेश किया जा रहा है। यह देखा जा सकता है कि इस बेहद दिलचस्प वुडकट जो चकतीशाप तस्वीर है तस्वीर से जो प्रिंटेड के आगमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया और प्रिंटेड के वर्कशॉप की मौत के नाच का मंच बताया गया और जो प्रिंटेड और उसके मजदूर कंकालों का के नियंत्रण में है और उनसे मनचाही चीज़ें छपवाते हैं। ओके, देयर विल बी आल्सो वन एक्टिविटी यू विल बिफोर गोइंग टू एक्टिविटी देयर विल बी सोर्स वी विल डिस्कस हेयर जो ये किताब का फियर ऑफ बुक, ठीक है, किताब का डर। लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधार इरेस्मन जिसने कैथोलिक धर्म की ज़्यादातर की आलोचना की पर लूथर से भी एक बार एक दूरी बनाकर रखी प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित थे और उसने एडजेज जो 1508 में लिखा है किताब, ठीक है, अभी जो पढ़ लिखा है उन्होंने टू वट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड देन, हाँ, किताबें बिनमिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच जाती, हो सकता है जहाँ जहाँ ये एकाध जानने लायक चीज़ें भी बताएं लेकिन इनका फायदा ज़्यादा हिस्सा तो विद्यत के लिए हानिकारक ही है, बेकार ढेर है क्योंकि अच्छी चीज़ों के अंत आते भी हानिकारक ही है, इससे बचना चाहिए, ठीक है। और जो प्रिंट दुनिया को सिर्फ तुच्छ जैसे कि मेरी लिखी चीज़ों से नहीं पाट रहे बल्कि बकवास बेवकूफ़ सनसनीखेज धर्म विरोधी अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्यों का मूल्य ही नहीं रह जाता। नाउ एक्टिविटी जो छपाई में जो विरोधी विचारों के प्रसार को किस तरह बल मिलता और संक्षेप में लिखें। नाउ वी विल गो फर्दर द रीडिंग मैनिया जो पढ़ने का जुनून। द थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी लिटरेसी रेट वेंट अप इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप चर्चिज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्से में जो साक्षरता बढ़ती रही अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों के स्कूल स्थापित किए और किसान कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई। यूरोपीय देशों की में साक्षरता और स्कूल के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया, लोगों को किताबें चाहिए थी इसलिए जो प्रिंटेड ज़्यादा से ज़्यादा किताबें मुद्रक जो थे प्रिंटेड छापने वाले ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे प्रिंटर्स। ओके, ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग टू फर्दर देयर विल बी जो डिनोमिनेशन से किसी धर्म के एक ऊपर समूह थे जो और ये ठीक है इसमें ये यूज हुआ है ना ये डिनोमिनेशन। नाउ न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस जो नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म के साहित्य छापने लगे। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया
और जो ये देवर अल्मेक्स और रिटल जो किताबें मुख्य थे, पंचांग के अलावा लोक कथाएं अल्मनक जो थे, जो ये पंचांग लोगों के दैनिक जीवन, हाँ जो ये अल्मनाक है इसका क्या मतलब है, चांद सूरज की गति ज्वार भाटा के समय लोगों को दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता वार्षिक प्रकाशन, ठीक है, पूरा साल का छपा हुआ ये था। और इसको हिंदी में अल्मनाक्स को पंचांग कहेंगे कि ठीक है। और जो पंचांग के अलावा लोक कथाएं और लोकगीतों की हुई हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रदान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। और इंग्लैंड में पेनी चैपबुक्स, यहाँ पे था पेनी चैपबुक्स वर कैरिड बाय पैटी पैडलर्स नोन एज चैपमैन। जो ये चैपबुक है ये इसको हिंदी में गुटका भी कह देते हैं, और पाठ्य बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। ये 16वीं सदी के जो प्रिंटर थे, प्रिंट का क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। यह जो चैपबुक या एक पेशिया किताबें बेचने वाले का चैपमन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथियन ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द से बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा चार पांच पन्ने की प्रेम कहानियां थी और अतीत से की थोड़ी कथाएं थी जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। यहाँ पे है ये सराहम बुक्स ऑफ वेरियस साइजेस सर्विंग मेनी डिफरेंट पर्पस ऑफ इंटरेस्ट्स। नाउ देयर विल बी द पीरियोडिक प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समाज के घटनाओं की खबर के साथ साथ मनोरंजन पर भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें भी होती थी। नाउ बिफोर गोइंग टू फर्दर देयर विल बी बॉक्स नंबर 2। हाँ 1 मिनट सर, देयर विल बी 1 पैराग्राफ आल्सो। सिमिलरली द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर नाउ बिकम मोर असेसिबल। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक की भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलन किए गए और नक्शे के साथ साथ वैज्ञानिक खाके की भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपना आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए, तो उनके लिए विज्ञान बोध में भी पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वेल्टियर और जाया ता जाग रूसो जैसे दार्शनिक की किताबों भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्यों में भी जगह पाने लगे। नाउ नाउ वो है बॉक्स नंबर 2 इन 1791 लंदन पब्लिशर था। 1791 में लंदन के एक प्रकाशक जेम्स लंगिंटन ने अपनी डायरी में यह लिखा, पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि हुई है। करीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपनी शामे डायन जोगिन और भूत प्रेत की कहानियों सुनते सुनते हुए बिताते थे, अब अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रूमानी या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़े की रातों की रोटी करने लगे। और अगर जान शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत की जाएगी कि वह प्रेरिक फेकल्स एडवेंचर लेकर आए। और अगर डाली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता था कि वह द हिस्ट्री ऑफ जोजेफ एंड्रीज लेकर भी ही वापस लौटे। नाउ 4.1 ट्रेम्बल देयरफॉर टायरनेट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया की जो जालमी अब हिलोम तुम। जालिमों और अब हिलोगे तुम। बाय द मिड 18th सेंचुरी देर वॉज अ कॉमन कन्विक्शन दैट बुक वर्म मीन ऑफ
हाँ, 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताब दुनिया बदल सकती है और निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्त दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबसिया मर्सिये ने घोषणा की कि छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसे बने रहने रही जनमत की आंधी में भी निरंकुशवाद उड़ जाएगा और जो मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताब पढ़ने से में बदल जाते हैं, वे किताबें गोड़ते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इस क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुश के यहाँ पे एक नया वर्ड होगा, नेपोटिज्म। जो ये है जो हाँ नेपोटिज्म है, इसका क्या मतलब है? राजकीय की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी और लगी हो ना संवैधानिक, ठीक है, उसका जो ये डिपोजिटम उठ जाएगा, ठीक है, और हाँ डेपोजिटिज्म ये रहा और उठ जाएगा, ठीक है। और मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से में से बदल जाते हैं, वे किताबें गौड़ते हैं, किताबों की दुनिया में जा जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापखाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवाद शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम की के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। ओके, नाउ देयर विल बी बॉक्स है, इसको भी अभी कर लेते हैं हम ही। सोर्स भी है जो जो है ये इसमें है, जो मर्सिस ने अपनी एक किताब में छपे शब्द की ताकत को यूं बयान किया है कि है एनी वन हु हैड, हाँ, अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो जो शुद्ध ताज़ा पानी मिलने पर गटगट पीने लगता है। बड़े एहतियात लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताब में डुबो देता था और वाक और अर्थ का प्रवाह में मैं हर पन्ने दर पन्ना बहुत बहता चला जाता था। अन्यास और अनजान खामोशी के साए में घड़ियाल हर घंटे बजता चला जाता था पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लौ पड़ी पीली पड़ने लगती थी पर मैं था कि पढ़ता जाता था। मैं बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं लेता था कि मेरे आनंद में व्यवधान ना पड़े और वे नए विचार किस वेग से मेरे सिर पे से घूमते थे, मेरी वृद्धि और कैसे आत्मसात करती थी। ये है जो रॉबर्ट डार्टन है, इन्होंने की किताब में द फेरिवेडन बेस्ट सेल्स ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी और द फ्रांस और 1995 से जो है कोटेड लिखा हुआ है, ठीक है, और नाउ प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो ये प्रिंट का संस्कृति और फ्रांसीसी की जो क्रांति आई है, और मैनी हिस्टोरियन हैव आर्ग्यूड दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अकर्ड। हाँ, कई क्रांति इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रिक संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में से ऐसे संबंध बना सकते हैं? ठीक है, और 3 टाइप्स ऑफ और कैन वी मेक सच, हाँ जो हाँ 3 तरह के देखन लायक हैं। फर्स्ट है जो प्रिंट पॉपुलर, हाँ, पहला छपाई के चलते ज्ञानदेह के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ, उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाएगा। उन्होंने चर्च के धार्मिक और राज्य को निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया और वाल्टियर और रूसी के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए लोचनात्मक सवालीय और कतर्कीय नज़र से दुनिया को देखने लगे। नाउ सेकेंड प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, ऑल वैल्यूज
हाँ, जो दूसरा था, छपाई के बाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया, सारे पुराने मूल्य संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस व मुबहसे हुए और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म या आस्था और प्रशासन कर करने के मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचार सूत्रपात पात हुआ। नौ, थर्ड वन है जो 17 बाय 17 10, हाँ, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्यों का ढेर लगा चुका था। इस प्रकार प्रक्रिया से में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टून और कैरिकेचरों व्यंगचित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किल में फंसी है जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। नाउ हाउ डू वी लुक दीज आर्गूमेंट्स, हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं है कि छपाई ने विचारों के फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ वे अगर रूसो और वाल्तेर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य के प्रोपगंडे का या प्रचार भी थे। वे हर पढ़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे, वे कुछ विचार स्वीकारक थे तो कुछ को नकारते भी थे और फिर चीज़ों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह जो प्रिंटर ने उनके मानस के सीधे तौर पर भले ही नहीं रचा था, पर उसने अलग अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं शुरू कर दी थी। थिंकिंग डिफरेंटली, ओके, देयर विल बी ऑल्सो एक्टिविटी। अब आप ये कर लेना, मैं मान लीजिए कि आप क्रांति पूर्व पूर्व फ्रांस में एक कार्टूनिस्ट या व्यंग चित्रकार हैं, किसी पर्चे के लिए एक कार्टून बनाएं और पैम्पलेट, ठीक है, और यहाँ पे एक फिगर नंबर अभी 11 है जो ये है, ये फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग और आम जन 18वीं सदी के अंत तक का एक कार्टून है। इस व्यंग चित्र में आपने जो फिक्र है में दिखाया गया है कि जन साधारण किसान कारीगर और मजदूर किस तरह मुश्किल हालात में थे जबकि जिंदगी में मजे ले लेने वाले कुलीन वर्ग उनका दोहन करता है। इस तरह के कार्टून के चलन से क्रांति के पहले लोगों को दिल दिमाग पर खास असर हुआ। नौ, यहाँ पे आपने, हाँ, एक डिस्कशन है ये कर लेना आप, जो कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं कि जो प्रिंटेड संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की। नो, द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी जो थी, 19th सेंचुरी वाज, हाँ, 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांगें लगाई जिसकी महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में ये नया पाठवर्क तैयार हुआ। और फाइव जो चिल्ड्रन ने चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स, हाँ, जो 19वीं, हाँ, एज प्राइमरी एजुकेशन बिकम पॉपुलर, हाँ, जो 19वीं सदी के आखिर के प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठक की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठक पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या जो मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथियों कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के क्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच लोक कथाएं जमा की, उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ, फिर कहानियों का अंतर 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्ग के अश्लील लगती थी उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं का नया रूप मिला, छपने से वे दर्जे हुई तो हुई इस प्रक्रिया में बदल गई। ओके, नाउ देर विल बी फिगर नंबर 12 ऑल्सो, वी विल सी नाउ, जो ये है जो पेनी या एक्सप्लेयर मैगजीन का अमुख है जो, और ये पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832-50 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए था, ठीक है। नाउ वुमेन बिकॉम इम्पोर्टेंट रीडर एज वेल एज राइटर, पेनी मैगजीन सी फिगर नंबर जो, हाँ,
ये सभी फिगर हमने देख ली है, ठीक है। जो महिला पाठक और लेखिकाओं की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई, पेनी मैगजीन या एक्सप्रिया पत्रिकाओं जो चित्र जो हमने फिगर नंबर अपनी 12 है, खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, जैसे वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएँ। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक बन मानी गई। मशहूर उपन्यासकार में लेखिकाएं अग्रणी थी, जैन ऑस्टिन, ब्रांटे बहने, जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था और अपनी इच्छा शक्ति थी। नाउ लेंडिंग लाइब्रेरीज हैज बीन एग्जिस्टेंस। 17वीं सदी के किराए पर किताब देने वाला पुस्तकालय अस्तित्व में आया गए थे, और उन जो 19वीं सदी में इंग्लैंड में से ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कालदर मजदूर दस्ताकार निर्माण लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिनों में छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और काम प्रथम व्यक्त के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएँ लिखी। नाउ बॉक्स नंबर 3 है, जो ये भी देखते हैं अभी। हाँ, जो ये थे ना, यॉर्कशायर ने एक मैकेनिक थॉमस वुड थॉमस ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीदकर शाम के वक्त आगे की रोशनी में पढ़ते थे, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालात में पढ़ने के जद्दोजहद करते थे। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिको को गोर्की की मेरी बचपन और मेरे विश्वविद्यालय इन संघर्षों की कहानियां हैं। नो फर्दर इनोवेशन, नए जो तकनीकी प्रसार 18वीं जो हाँ नाउ बाय द लेटेस्ट इंसेंट प्रेस कम टू हाँ 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम ओ ने शक्चालत बेलनकार प्रेस को कारगर बना लिया। इससे प्रति घंटे 8,000 शीट या ताव छप सकती थी। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली के चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। एक दो और चीज़ें हुई, कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युत नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनें इकाइयां में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्नों का रंग रूप ही बदल गया। नाउ प्रिंटर एंड पब्लिशली कंटिन्यूसली डेवलप द न्यू स्ट्रेटजीज। जो प्रिंटर और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं के ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, और जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में ही लोकप्रिय किताबों एक सस्ती संग्रह जिसमें लोकप्रिय किताबों की सस्ती श्रृंखला और शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई किताबों को जल्द ही आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीक नवीयत थी। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों की किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक या अजिल्द संस्करण छापे। नाउ देर विल बी एक्टिविटी है जो फिगर, पहले हम फिगर देख लेते हैं फिर उसके बाद एक्टिविटी को भी करते हैं डिस्कशन, ठीक है। हाँ, या जो ये फिगर नंबर 13 है, इसमें क्या है, इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन है एल्ड्रेफ कॉन के द्वारा बनाया गया ये लिथोग्राफ है, 1874 छपी हुई सूचना है, जो और इश्तिहार सड़कों की दीवार प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे। और जो ये लुक एट फिगर है, ऐसे विज्ञापनों का लोगों के मन पर क्या असर पड़ता होगा, क्या आपको लगता है कि छपी हुई चीज़ को देखकर हर व्यक्ति एक जैसी प्रतिक्रिया होती है। नाउ वी विल गो फर्दर, अभी हम भारत और जो प्रिंटेड
वर्ल्ड है उसको देखते हैं। लेट अस हाँ जो आइए देखिए कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और इसका प्रिंट युग को पह ये पहले कहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। नाउ मैंने उसके बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इंडिया हैड वेरी रिच ओल्ड ट्रेडिशन। हाँ भारत में संस्कृत अरबी फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियाँ की पुरानी और समुद्र परंपरा थी। समृद्ध पांडुलियों ताड़ के पत्ते या हाथ से बने कागजों पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीर भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों में जिल्द में जा मिसल कर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद पांडुलियाँ छापी जाती रही। और देयर विल बी फिगर 14 है ये जो है इसमें है जो जयवेद की गीत गोविंद के कुछ पंडे 18वीं सदी। यह एक कार्डीय शैली में हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना है। नाउ और मैं जहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट हाउएवर वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेगाइल दे हैड टू बी हाँ या जो ये लेकिन पांडुलिपियाँ जो नाजुक होती थी काफ़ी महंगी भी थी। एक तो बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था। दूसरा लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इजली एज स्क्रिप्ट एज वाज रिटन स्टाइल सो मैंने उसके आसान नहीं था इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व अपने जो कॉलोनियल बंगाल के अपने बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था। लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। ओके नाउ देयर विल बी फिगर नंबर 15 है और हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने 1824 जो 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित है। पेज पर खुशनविसी नवकाशी और डिज़ाइन देखें और लेटर प्रिंट्स को आने के बाद भी इस तरह की पांडुलियाँ अमीरों के लिए बनाई जाती रही हैं। ओके नाउ वी विल गो फर्दर देयर विल बी ऑल्सो फिगर नंबर 16 है जो ये है जो जो ऋग्वेद के कुछ पन्ने और जो प्रिंट के आगमन के काफ़ी बाद तक हस्तलिपि पुंडलियों प्रकाशित की जाती रही। यह पांडुलिपियाँ मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई। और नाउ प्रिंट्स कम्स टू इंडिया ठीक है जो छपाई भारत में आई प्रिंटिंग प्रेस फॉर कम्स टू गोवा। हाँ प्रिंट प्रेस पहले पहले 16वीं सदी में भारत में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया और जैसुअट प्रचारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 में कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाली वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी जिनमें से कई पुराने किताबों का अनुवाद थी। और नाउ इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया। हाँ अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छपखाने का आयात शुरू कर दिया था। नाउ फ्रॉम 1718 जेम्स अगस्ट हिक बिगन टू एडिट। हाँ जेम्स अगस्त हिकी ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया जिसे खुद को ये परिभाषित किया हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। हाँ यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले जो कॉलोनियल शासन से आज़ाद निजी अंग्रेज उद्यमी थे और उससे और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभियान था। हकी ढेर सारे विज्ञापन छापता था और जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल थे। लेकिन साथ ही वह भारत के कार्यकर्ता
वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गणबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वेरिंग हेस्टिंग ने हिकी पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आशय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो कॉलोनियल राज की छवि पर होते हमले से इसकी रक्षा कर सकें। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय की करीबी रहे कंदगातर भट्ट द्वारा प्रकाशित बंगला गजट। नाउ देर विल बी सोर्स सी है जो ऐसे विलियम बोल्स नामक व्यक्ति को 1768 में भी इस तरह की सूचना कलकत्ता के एक सार्वजनिक इमारत में टांगने की जरूरत महसूस हुई। जनसाधारण के लिए मिलबेट्स पब्लिक को यह बताने के लिए इस तरीके का सहारा ले रहे हैं कि चूंकि शहर में छापखाने की गौर कमी से नुकसान होता है, इसलिए वे उस व्यक्ति का हर संभव उत्साहन करेंगे जो छपाई में माहिर हो। पर जल्द ही बोल्स महोदय इंग्लैंड चले गए और यह वादा हवा में लटका रहा। लेफ्ट इंग्लैंड और ये वादा। नाउ रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट। या नाउ वी विल जो धार्मिक सुधार है और सार्वजनिक बहसें हैं जो इसके बारे में करते हैं अभी, ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, जैसे कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों के लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह कॉलोनियल समाज में हो रहे बदलाव में जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे हैं। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हैं हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुई छपी हुई पुस्तकों और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जनसमुदाय भी हिस्सा ले सकते थे, अपने मत जरिए जाहिर कर सकते थे। इस तरह के मतांतर ने नए विचार उभरे। नाउ दिस वॉज ए टाइम लाइन ऑफ इंटेंसिस कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह एकाश्रवाद ब्राह्मण पूंजीवर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तकों और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के ख्याल में इन्हें आम बोलचाल भी की भाषा में छापा गया। राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कमदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों को से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जाम ए जामा और शमूल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। नाउ इन नॉर्थ इंडिया द उल्मा इज न्यू वर्ड। सो इसमें ये क्या है जो जो इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान, ठीक है, और एक फतवा भी है। अभी हम फतवा भी देख लेते हैं साथ में, जो है अनिश्चय या असंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाला विद्वान, सामान्य मुफ्ती के द्वारा जानने वाली वैधानिक घोषणा। ओके नाउ इन द नॉर्थ इंडिया द उलमा वर डीपली एनेक्सियस। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि वह है जो कॉलोनियल शासन धर्मांतर को बढ़ावा ना दें या मुस्लिम कानून ना बदलें। इसे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफ प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों को फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंदी सामग्री ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा के जीवन जाने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लाम संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुई। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्या थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। अमंग हिंदूज टू प्रिंट इनकरेज रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली
हिंदुओं के बीच भी छपाई के खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरित का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता में से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफ संस्करणों ने उसे उत्तर भारत का बाजार पट गया और लखनऊ ने नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस के अनेक भारतीय भाषाओं के में अंतर्गत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और ले जाने के आसान होने के कारण आस्थवान इन्हें कहीं भी किसी भी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों को की बड़ी भीड़ के में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। नाउ रिलीजियस टेक्स्ट रीच डे वेरी वेरी हाँ जो ये मतलब ये था कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जनसमुदाय तक पहुंच रही थी, जिससे चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस मुहबहस और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बनी गई थी। प्रिंट डिड नॉट स्टिमुलेस पब्लिकेशन ऑफ कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन जो ये लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किया बल्कि इनके समुदायों के अंदर और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। ओके नाउ देयर विल बी सोर्स डी है जो इसको कर लेते हैं अभी वाई न्यूज़पेपर ठीक है जो अखबार हम क्यों हैं ठीक है। और कृष्ण जी हाँ जो पूना के कृष्ण जी त्र्यंबक रांडे मठाठी का एक अखबार निकालना चाहते थे जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरें की जगह मिल सके। इससे सार्वजनिक उपयोगिता वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राक विद्यालय शैक्षिक जिज्ञासाओं और देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर दक्कन और ख़ास तौर पर जानकारियां होंगी। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जनकल्याण के इच्छुक हैं। और जब बॉम्बे टेलीग्राफ और कोरियर के जो 6 जनवरी 1849 है इसमें देसी अखबार और राजनीतिक सभाओं का वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के में विपक्ष की होती है, यानी कि यह सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कर लोगों के हित साधने में अक्षम हिस्सों को निकालने और सुधार करें तथा उनकी तेजी से लागू करने का काम करें। इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर नाना तरह की सूचना जमा करें और क्या संभव और काचित सुगारें वह बताएं। इन कार्यों का काफ़ी असर होगा। नेटिव ओपिनियन 3 अप्रैल 1870 नौ न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन प्रकाशन के नए रूप नौ प्रिंट क्रिएटेड एपिटेट फॉर न्यू काइंड छापखाने के नए तरीके लेखन की के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोगों पढ़ने लगे छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी अपने तजुर्बे अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्य विद्या इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसके अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। नाउ अदर न्यू लिटरेचर हाँ दूसरी तरह की साहित्य विधाओं जैसे गीत कहानियां सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतर अगर भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। नाउ बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ए न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप हाँ 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृष्टि संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापखानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों के कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकार ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकरने वाले गरीब दस्तकारों को लेटर प्रेस छापखाने के करीब अपनी दुकान लगाई और मदरकों से काम पाने लगे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीद कर गरीब भी अपने घरों में दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने अहिंसा आधुनिकता और परंपरा और धर्म राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को करना शुरू किया। नाउ बाय द 1870 कैरिकेचर एंड कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड
1817 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं, सामाजिक राजनीतिक विशेषिंग और टिप्पणियों करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिम पोशाक और पश्चिम विचार का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अध्याय के सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग चित्रों के में राष्ट्रवादी का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवाद भी समाजवादी सत्ता पर निशाना साधने से पीछे नहीं रहे। नौ, फिगर नंबर जो 17 है जे है राजा जो थे ऋतुद्वाज द्वारा असुरों के चुंगल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाता है, और राजा रवि वर्मा का चित्र। राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थी। नाउ वी विल गो फर्दर, वुमेन एंड प्रिंट। और जो हाँ, इसमें लिव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगन टू रिटर्न। हाँ, जो महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी, इसलिए मध्यवर्ग करों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर में पढ़ाने लगे, और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े बड़े शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं ने को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम में भी छपता था कि और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। नाउ देयर मे बी आल्सो फिगर नंबर 18, इंडियन शायरवरी का आवरण पुरुष। इंडियन शायरवरी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और विदर्भ विद्या के कई चित्रों में से एक था, और गौर करें कि समाजवादी अंग्रेज की छवि के ठीक बीचों बीच है और सत्ता प्रभुता की प्रति मूर्ति बना रहा। वह देसी लोगों के वे क्या करें, क्या कहें, क्या नहीं, किसकी हदायत दे रहा है, उसके दोनों ओर बैठे देसी जजन गुलामों को नत मुद्रा में है। भारतीय को व्यंग चित्रों के अंग्रेज पत्र दा पंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा है कि यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसको भारतीय संस्करण निकालो। नो बट नॉट फैमिलीज वर लिबरल कंजर्वेटिव एंड बट फैमिलीज वर, लेकिन सारे परिवार के उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं, और इसी तरह दक्यानुसु मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमानी अफसर साने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दक्यानुसी मुसलमान परिवारों की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसे गुपचुप ढंग से ना सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसने उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पढ़ता था, लिहाजा उसने वह जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी नहीं थी। पूर्व बंगाल 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार से ब्याही कन्या रशन सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। नाउ सिंस सोशल रिफॉर्म्स एंड नोवल हैड ऑलरेडी क्रिएटेड ए ग्रेट, क्योंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आत्मप्रीति के प्रति कुतूहल तो थी ही। नाउ हाँ, कैलाशवादी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया, जैसे कैसे वे घरों में बंदी अनपढ़ बनाकर रखी जाती, कैसे वे घर भर में काम का बोझ उठाती और जिनकी सेवा भी करती, वही उनने कैसे दुत्कारते। और आज जो महाराष्ट्र है, वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंदी औरतें के लिए पढ़ने का क्या मायने हैं, इस पर तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुत से कारणों से दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई हैं। नाउ बिफोर गोइंग टू फर्दर देयर विल बी सोर्स सी, ठीक है ये कर लेते हैं अभी। जाड़ी माड़ी शिशवाद लेखिका बेगम
मुखिया शिखावत हुसैन ने 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने के रूप से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की। नारी शिक्षा का कोई विरोधी कहते हैं इसे मिले उदंड हो जाएंगी, और ये खुद को मुसलमान बताते हैं, और इस्लाम द्वारा औरतों की बराबरी को तालीम का हक देने के बुनियादी असूल को खिलाफ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएंगी भला। नाउ वाइल उर्दू तमिल बंगाल एंड मराठी प्रिंट हैड डेवलप्ड अर्ली, उर्दू तमिल बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृत पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में ही हुई। जल्द ही उसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिला के लिए मुद्रित और कभी कभी जो उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई, इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखन चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं की गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियां और धारावाहिक उपन्यास के जरिए मनोरंजन परोसा। नाउ इन पंजाब टू ए सिमिलर फोक लिटरेचर वॉज वाइडली, हाँ पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छपा गया। राम चड्ढा ने औरत को आज्ञाकारी बीवी बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपने बेस्ट सेलिंग कृत्य से स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी है जो ने इस तरह की संदेश देते हुए सस्ती पुस्तकें छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद रूप में भी पेश किया गया। नाउ इन बंगाल द एंटायर एरिया इन सेंटर, बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया, जहां पर आम धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण को खरीद सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था वह भी उपलब्ध थे। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबें पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाला बटाला जो प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत से के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। नाउ देयर विल बी फिगर नंबर 19 है जो एक गौर कली जो प्रयालिका 19वीं सदी के अंत तक रंगीन काष्ठीय चित्र है, ये है पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना। पत्नी जैसा कि मुहावरा में कहा जाता है, पति के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी माँ को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। नाउ वी विल गो फर्दर, देर विल बी फिगर नंबर जो 20 है, इसमें क्या है, एक भारतीय जो दंपति सफेद सफेद स्याहे काष्ठीय चित्र है और फिगर है, जो इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिम हमले से परिवारिक व्यवस्था उल्ट पुलट हो गई है। मर्द वीणा बजा रहा है और औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक परिवार भूमिका में छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई। नाउ देयर विल बी आल्सो फिगर नंबर 21, इसमें क्या है, एक यूरोपियन दंपति जो है वो पति पत्नी है, जो 19वीं सदी का जो ये कास्ट चित्र है, और इस पिक्चर में जो है इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिकाओं का निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे हैं और मेम साहब वायलिन बजा रही हैं। आप देख सकते हैं अभी उन्होंने क्या छापा था और इंडियन ने क्या छापा है इसमें। ओके नाउ हाँ, और ये अभी 8.2 है प्रिंट एंड द पुअर पीपल, जो 19वीं सदी के में मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने लगे थे, जिससे किताबें की पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बे में होते या यदा कदा संपन्न गाँव में भी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी।
नाउ फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तकें और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातियों आंदोलनों को मराठी प्रेरणा जतवी फूल ने अपनी गुलामी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र भीमराव अंबेडकर और मद्रास ईवी रामस्वामी नायकर ने जो पेरियर के नाम से बेहतर जाने जाते हैं जाति जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पर पूरे भारत में पढ़ दिए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने प्राचीन धर्मग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज के सपना बुनते हुए मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। नाउ वर्कर्स इन द फैक्ट्री वर ओवरवर्कड एंड द कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशीबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जातीय तथा वर्गीय शासन के बीच रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 तक बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताओं नामक एक संग्रह में छापा गया। बंगलौर में सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन राष्ट्र तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। नाउ देयर विल बी एक्टिविटी यू विल डू योरसेल्फ, लुक एट फिगर 19, 20, 21 केयरफुली। और जो है इसमें आपने जो समाज वट में यहाँ समाज में हो रहे बदलाव को लेकर चित्रकार क्या कह रहा है, वे कौन से बदलाव हो रहे थे कि चित्रकार ने ऐसी प्रतिक्रियाएँ दी, क्या आप चित्रकार के मत से सहमत हैं। नाउ वी विल गो फर्दर, 9th टॉपिक है जो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, प्रिंट एंड सेंसरशिप, प्रिंट और प्रतिबंध है जो इसके, ठीक है, ईस्ट इंडिया बिफोर 1790 कॉलोनियल स्टेट, हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 के पहले जो कॉलोनियल शासन के सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि जो प्रिंटेड सामग्री को नियंत्रण करने के इसकी शुरुआत कदम कंपनी के जो कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी का इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकारिक पर हमला ना बोल दें। नाउ देयर बाय द 1820 द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, हाँ, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रण करने का वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रिटानी शासन का उत्सव मानने वाले अखबारों को प्रकाशन और प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेज और देसी भाषाओं को के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी जो कॉलोनियल अफसर थॉमस मैकॉल ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए कानून बनाए। बिफोर गोइंग टू बर्दर देयर विल बी बॉक्स 4 वी विल सी नाउ, ठीक है, और इसमें क्या है, जो कभी कभी वफादार जो अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। जब 1870 में स्थापित अखबार स्टेसमैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा के आज़ादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नाउ आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। अंग्रेज ने देसी प्रेस का मुँह बंद करने की मांग की। ज्यों ज्यों भाषाएं समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए त्यों त्यों जो कॉलोनियल सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब जैसे वैसे सरकार वे विभिन्न प्रदेशों में छपने वाली भाषाओं अखबारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट में बागी को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहली चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हो रही तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। नाउ
देयर विल बी डिस्पाइट रिप्रेजेंटिव मेयर्स नेशनलिस्ट, लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने जो कॉलोनियल कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी, राष्ट्रवादी आलोचना की खामोश करने की तमाम कोशिशों को उग्र विरोध किया। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में कालापानी भेजा गया तो बालंगर तिलक ने अपनी केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। नाउ बॉक्स नंबर 5 है, जो इसको भी अभी देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो मुद्रिक जो प्रिंटेड शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उसके नियंत्रण करने की कोशिश से मिलता है। जो कॉलोनियल शासन हमेशा अपनी तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नज़र रखता था, और जो पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी, इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉल्ट के अधीन कार्यकर्ता षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना और कार्रवाई की और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसके तहत सेंसर होती थी। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया। नाउ लास्ट जो सोर्स है, गांधी जी सैडी 19 वाणी की स्वतंत्रता की प्रेस की आज़ादी सामूहिक को आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के तीन तीन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही थी, और स्वराज खिलाफत की लड़ाई और सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है। ओके, आई थिंक दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। ये दिस इज़ अ क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ।